कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान, फुल वीडियो सॉन्ग धूल का फूल, रंजिंद्रा कुमार माला सिनेहा। तो बहुत ही जबरदस्त मैसेज है, बहुत ही जबरदस्त पैगाम है। ये हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है ये सॉन्ग। चलिए मिलके देखते हैं ये जबरदस्त सॉन्ग, फिर उस पे करेंगे अपना प्रेयर। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन तो प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले, ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के वजरू है चमन बेचने वाले, कांटों के वजरू है चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अरे क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत है पैगाम। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। देखिए यार, भारत के लोग कितने खूबसूरत मैसेज और कितना परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, क्या ही बात है। काश हम भी ये करते, काश हम भी हम नाम निहाद मौलवियों के नरगे में ना आए होते, तो आज हम पूरी दुनिया में अपनी इस तरह से जग दर्शाई ना करवा रहे होते, इंसान होते शायद हम इंसानों में भी इंसान होता भाई। हमारा तो उन्होंने हमारे इंसानों से निकाल दिया। सर हमें जो है ना, इन लोगों ने मुसलमान बनाने की तो कोशिश की है, हम नाम मुसलमान बनाने के चक्कर में इंसानियत से भी निकाल गए हैं, अब वो सारी चीजें नजर भी आ रही हैं कि बिल्कुल अगर हमारे बड़ों ने हमें इंसान बनाया होता तो फिर हम मुसलमान भी होते और हमारे ऊपर ये इंतहा पसंदी का जो लेवल है ये भी ना लगा होता। तो बिल्कुल ये बहुत ही जबरदस्त पैगाम। अब देखिए कि कैसे यार वो पुरानी सादा सी फिल्में, सादा सा म्यूजिक और जो उसके अंदर जो मैसेज है वो कमाल है, एक बेहतरीन और एक एक लफ्ज जो है ना वो जो है ना सोने के आरोप से लिखने वाला है जो लफ्ज है, तो बेहतरीन शायरी, बेहतरीन लिरिक्स, बेहतरीन पैगाम। काश के तेरे दिल में उतर जाए भली बात। तो यही बात है कि ये जो पैगाम है, हम क्या देखते हैं कि भाई ये तो हिंदुस्तान की बनाई हुई फिल्में हैं, तो इसके अंदर जो पैगाम है वो तो पैगाम उन्हीं का होगा। बिल्कुल ये बेहतरीन पैगाम है, जिस तरीके से पुराने पाक है उसी तरीके से जो है बाइबल, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत चीज रखी उन्होंने, गीता कुरान और सबको उन्हें। देखिए मैसेज एक ही है, यही हमें भटका दिया गया है कि कुरान कुछ और कहता है, जो गीता है वो कुछ और कहती है। हर धर्म के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होती है, लेकिन ये है कि धर्म सिर्फ एक ही मोहब्बत का, इंसानियत का, अमन का पैगाम देता है, दूसरों के हकूक का ख्याल रखने का पैगाम देता है और नेकी करने का हुक्म देता है। और नेकी क्या है? दूसरों के हकूक का ख्याल रखना, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी जानना, यही नेकी है। अगर आप किसी को, हमारे कहा जाता है कि किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख भी ना दे, तो बिल्कुल जी दूसरों के हकूक का बिल्कुल उसी तरह से ख्याल रखने की हुक्म दिया गया है कि जिस तरह तू अपने लिए सोचता है अपने दूसरे भाई के लिए भी तू वैसा ही सोच। तो अगर ये बात हम समझ जाए तो हमारी दुनिया, ये जंगे हैं, ये जिस तरह दुनिया भी है, ये जो हम जहाँ रह भी रहे हैं, सब चीज खुशहाली में बदल जाए, बदल जाए, और खुशियों का इस्तेमाल हो, मोहब्बत हो, अमन हो, ना हो, ना कोई सरहद हो और ना ही कोई जंग हो, ना बिल्कुल वो हो। हमें तो एक धरती मिली थी, इसको हमने कहीं हिंदुस्तान और कहीं ईरान बना दिया और कहीं पाकिस्तान, कहीं बांग्लादेश और क्या क्या हमने बना दिया है इसमें से, ये धरती और ये सारे कुछ इस सारी जमीन के लिए इंसान ही बनाए, इंसान ने ही बनाए हैं, ये खुद ही नफरतें जो है ना फैलाई गई हैं, क्या जबरदस्त है, कमाल कमाल कर दिया यार, खुद ही बटे हुए हैं। और हम अगर खुद, अब ये आइडिया नहीं है कि ये किस दौर की फिल्म का गाना है, ये पार्टीशन से पहले का है, पार्टीशन से पहले का ही आई थिंक लगता है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टाइम का गाना है, लेकिन क्या ही खूबसूरत और जबरदस्त पैगाम है। आई होप सो ये हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगे, अगर तो अच्छा लगे, हमारा रिएक्शन भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए